हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का करियर पाथवे शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग एलाइड सर्विसेज बैचेस के अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि साल 2023 और 24 के लिए हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस की शुरुआत की जा रही है, बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश। चलिए, बैचेस के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के बारे में कुछ एक चीज़ें बता देना चाहता हूँ। आई होप कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फॉर द फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के बारे में सोच रहे होंगे। तो उनको एग्ज़ाम के बारे में कुछ एक चीज़ें स्टार्टिंग में ही पता होनी चाहिए, ताकि तैयारियों में आप लोगों को एक हेल्प मिल सके। आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो एलाइड सर्विसेज वाला एग्ज़ाम है, ये हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस दो सेगमेंट इसके मेनली रहते हैं, जिसमें आप लोगों के पास देखिए प्रीलिम्स में 200 क्वेश्चन आते हैं, और ये सारा का सारा आप लोगों के पास एमसीक्यू बेस्ड होता है। और इसमें हमारे पास 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके 0.25 नंबर आप लोगों के कट जाएंगे। और 200 नंबर में से आप लोगों के पास देखिए जो कट ऑफ क्लियर होगी, जितनी मेरिट जाएगी उस बेसिस पे आप लोगों के पास देखिए मेंस के लिए सिलेक्शन होता है। अगर हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो उसमें हमारे पास देखिए 200 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश, जिसमें आप लोगों के पास हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और आप लोगों के पास बजट, सर्वे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास आते हैं 60 क्वेश्चन। और उसके बाद हमारे पास 60 नंबर के लिए आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आप लोगों के लिए नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है पूरे साल की, तो वो हम लोग लेकर चलते हैं एटलीस्ट 1 ईयर्स का करंट अफेयर्स। देन हम लोग बात करते हैं थर्ड सेगमेंट की, इसमें हमारे पास 80 क्वेश्चन बच जाते हैं। तो यहाँ 80 क्वेश्चन में आप लोगों के लिए पूछा जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आप लोगों के पास मेंशन किया गया है कि ये हिस्ट्री आप लोगों के लिए 1857 के बाद की ही पूछी जाएगी। लेकिन आप लोगों ने अगर लास्ट एग्ज़ाम देखा होगा तो उसमें आप लोगों के पास देखिए कुछ क्वेश्चंस थे, और कुछ एक स्टूडेंट्स के ये डाउट थे कि यहाँ पर आप लोगों के पास क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से भी पूछे गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सिलेबस में मेंशन किया गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा इसमें आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मेडिवल और एंशिएंट इंडिया से आप लोगों को क्वेश्चन लग रहे थे, वो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन थे, तो वो सिलेबस का पार्ट है। देन उसके बाद आप लोगों के लिए इसी एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे, और वहीं पर आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और इसके अलावा टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये पूरा आप लोगों के पास प्रीलिम्स का सिलेबस रहता है। और अगर हम लोग बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस में बेसिकली 3 एग्ज़ाम होंगे आप लोगों के पास, और ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं तीनों पेपर, जिसमें 2 लैंग्वेज के हैं और एक हमारे पास जनरल स्टडीज़ का है। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद आप लोगों के पास जनरल स्टडीज़। हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम 150 150 ईच। और अगर हम लोग बात करें जनरल स्टडीज़, तो जनरल स्टडी का पेपर हमारे पास 200 मार्क्स का रहता है। इंग्लिश और हिंदी में 40 40 नंबर के लिए देखिए ऐसे वो तो पूछा ही जाएगा, और इसके अलावा आप लोगों के पास देखिए ग्रामेटिकल पोर्शन रहेगा, और ग्रामेटिकल पोर्शन के अलावा कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, साथ में आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन हो सकता है, आप लोगों के लिए एडियम फ्रेज और हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और साथ में हिंदी में हमारे लिए गद्य और पद्य की 100% व्याख्या करने के लिए भी आता है। और जीएस की बात करें तो जीएस में आप लोगों के पास देखिए जो सिलेबस प्रिलिमिनरी का था, वही सिलेबस आप लोगों के पास मेंस का भी रहता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को तैयारियां करनी है, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप लोगों को लिखना है सारी की सारी चीज़ों को। प्रिलिम में एमसीक्यूज़ होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करेंगे, लेकिन मेंस में ये एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, यहाँ पर आपको डिटेल में आंसर लिखने होंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिए शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, मान लीजिए कि आप लोगों के लिए 30 to 40 वर्ड लिखने के लिए क्वेश्चन हो सकते हैं, देन आप लोगों के लिए 120 वर्ड में हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप लोगों के लिए बड़े क्वेश्चन 1000 या 500 वर्ड में भी आए, है ना। क्योंकि एलाइड सर्विसेज का जो सिलेबस है मेन्स का, ये प्रोडिक्ट नहीं किया जा रहा है ना, क्योंकि साल 2017 और 2019 में HPPSC ने जब से एग्ज़ाम्स करवाया है, तो तब से ही आप लोगों के पास देखिए दोनों बार सिलेबस अलग अलग रहा है, कुछ एक चेंजेस इसमें हुए हैं, तो हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम के लिए भी इसमें कुछ एक चेंजेस हो। वहीं आजकल एक और आप लोगों के पास देखिए न्यूज़ में चीज़ें चली हुई है कि क्या आप लोगों के पास पैटर्न चेंज होगा एलाइड सर्विसेज का, क्या इसमें आप लोगों के पास इंटरव्यू किया जा रहा है या एसे का पेपर अलग किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। देखिए एक नोटिफिकेशन HPPSC की आई है, जिसमें आप लोगों के पास बताया गया है कि आफ्टर मेंस एग्जामिनेशन वहाँ पर आप लोगों के पास देखिए 100 नंबर का
इंटरव्यू की बात की जा रही है। तो जब आप लोगों के पास ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो उस टाइम एग्जैक्टली इसके बारे में हम लोग बता पाएंगे कि इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, या इस नोटिफिकेशन में कुछ एक चेंजेस किए जाएंगे, या इसके आरएमपी रूल कुछ चेंज किए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे पास क्लास 3 के एग्ज़ाम के लिए आरएमपी रूल चेंज हुए हैं, पैटर्न चेंज हुआ है, वो पैटर्न एलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों के पास पैटर्न नया ये ला सकते हैं। जब पैटर्न आएगा तो उस टाइम इस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपने इन बैचेस के माध्यम से हम आप लोगों की किस तरह से हेल्प करेंगे आपकी तैयारियों में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि साल 2023 और 24 के लिए हमारे बैचेस की शुरुआत जुलाई से की जा रही है, तो ये बैचेस हमारे पास देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहने वाले हैं। ठीक है, और इन बैचेस में हम लोग आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा स्टडी मटेरियल, और ये स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, और एक वेल कंपाइल्ड स्टडी मटेरियल है जहाँ पर आप लोगों के पास देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम आप लोगों के पास देखिए चीज़ों को कवर किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। और उसके अलावा मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ऑनलाइन ही एनरोल हुआ है और किसी दिन वो क्लासेज अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है, और ये फैसिलिटी आप लोगों के पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगी। जिस दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आपको उस दिन के रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी बोथ मीडियम में हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे, जिससे आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। देन रिकॉर्डेड लेक्चर के अलावा और स्टडी मटेरियल के अलावा हम किस तरह से हेल्प करेंगे, इसमें हमारे पास देखिए टॉपिक वाइज जो लेक्चर होंगे उसकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिलेगी सॉफ्ट कॉपी, और उसके अलावा हर पीडीएफ फाइल के साथ उस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिलेंगे। और अगर उस टॉपिक में से कोई मेंस का क्वेश्चन बनता होगा तो मेंस के क्वेश्चन या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के पास देखिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके अलावा जैसे आप लोगों का सिलेबस कम्प्लीशन हो जाएगा तो उस सिलेबस कम्प्लीशन में, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो बैच का टाइम रहेगा हमारे पास लगभग 8 महीने का टाइम रहेगा, जिसमें 6 महीने में हमारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा, 2 महीने हमारे पास देखिए रिविज़न के लिए बचेंगे। रिविज़न के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो मेंस के लिए हम लोग प्रीलिम्स के साथ तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि पहले प्रीलिम्स की तैयारियां करवाई और उसके बाद मेंस की करवाई, तो ये प्रीलिम्स और मेंस इकट्ठा ही चलेगा, ताकि आप लोग देखिए मेंस के लिए भी स्टार्टिंग से ही तैयार होना शुरू हो जाओ। ठीक है, इसमें आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग लिखने की कोशिश करोगे, जो आप लोगों के पास देखिए कमियाँ होगी, जिस चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो इस इम्प्रूवमेंट में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। और उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए एक दिक्कत आती है कि ह्यूमन एरर हो जाते हैं कई बार एग्ज़ाम में। हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन आता है वहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और कन्फ्यूज़न में आकर हम लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसका मेन रीज़न ये रहता है कि हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होती है घर में, प्रैक्टिस इन द सेंस कि हम लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाए होते हैं। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने निकाले होते हैं, लेकिन हम लोग अपने मॉक टेस्ट में क्या करेंगे कि रियल टाइम एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के साथ करवाएंगे, क्लासरूम में ये टेस्ट होंगे। जिस तरह से आपके एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न रहता है, पूरा का पूरा टाइम ड्यूरेशन रहता है, ये सारी चीज़ें उसमें रहेगी, और आप लोगों के पास देखिए ये क्वेश्चंस रहेंगे। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आप क्लासरूम में इस तरह के एरर करते हैं, मान लीजिए कि किसी में आपने ऑप्शन नंबर डी मार्क करना है और वहाँ पर गलती से सी कर दिया, तो ये सारी की सारी गलती आप लोग क्लासरूम में ही कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इसमें मास्टरी हो जाएगी कि आप लोग गलतियाँ ना करो, है ना, एक हैबिचुअल हो जाती है, हैबिट हो जाते हैं हम लोग, तो उससे ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन उसके बाद देखिए इंटरव्यू के लिए अगर हम लोग बात करें तो इंटरव्यू के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है, मान लीजिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो गई, इसके अलावा मान लीजिए कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई, इससे आपकी प्रेजेंटेशन हो गई, तो इन चीज़ों पे देखिए हम लोग साथ साथ में काम करवाते रहेंगे। अगर आप लोगों के पास देखिए इंटरव्यू होता है तो उसके लिए भी स्टार्टिंग से ही आप लोगों को तैयार किया जाएगा यहाँ पर हमारे इन बैचेज़ में। ठीक है, तो ये था हमारे बैचेज़ में और इसमें हम लोग आप लोगों को क्या क्या देने वाले हैं। और बाकी आप लोग देखिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, और विज़िट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि साल दर साल जब से आप लोगों के पास देखिए HPPSC एग्ज़ाम करवा रहा है लाइट सर्विसेज का, तो हमारे 2017 के सिलेक्शंस है, 2019 के सिलेक्शंस है, ग्राफ हमारा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरह से हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ऑनलाइन भी एडमिशन करवा सकते हैं, और इंस्टीट्यूट विजिट करके आप लोग एडमिशन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में तैयारियां कर सकते हैं विद कंप्लीट स्टडी मटेरियल,
हिंदी और इंग्लिश दोनों के अलग अलग बैचेस होंगे, तो इस तरह से भी नहीं होगा कि मान लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश का इकट्ठा बैच हो गया और जिसमें आप लोगों को देखिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ऐसा भी नहीं किया जाएगा। कंप्लीट आप लोगों के पास अलग अलग बैचेस होंगे, हिंदी मीडियम में अलग होगा और इंग्लिश मीडियम में अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें, अगर इसके अलावा किसी के दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है लाइट सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उन डाउट्स का आंसर हम लोग देखिए कमेंट में देने की कोशिश करेंगे, या हम लोग आप लोगों के लिए देखिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेकर आएंगे। और साथ में अगर आप लोग इंस्टीट्यूट विजिट करते हैं तो यहाँ पर भी आपके सारे के सारे डाउट्स काउंसलिंग के टाइम में ही क्लियर कर दिए जाते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए थैंक यू सो मच।